दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में जानेंगे यानी कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए पहला क्वेश्चन कह रहा है

अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप पर प्रकाश डालिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक पिरामिड है या जो स्तूप है यहाँ पे आपको पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप पर प्रकाश डालना है अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है बायोम का कावरकरण समझाइए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है यहाँ पे आपको बायोम का वर्करण समझाना है अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मृदा अपर्दन क्या है इसके प्रकार बताइए छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मृदा अपर्दन है यहाँ पे आपको सबसे पहले मृदा अपर्दन के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको मृदा अपर्दन के प्रकार बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है अब आपका सातवा क्वेश्चन दिया हुआ है औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या बताइए सातवा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण है यहाँ पे आपको औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है जाए पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है ओजोन तो अल्पता तथा छय का प्रभाव बताइए आठवा क्वेश्चन कह रहा है जो ओजोन अल्पता है और जो छय है यहाँ पे आपको ओजोन अल्पता तथा छय का प्रभाव बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पर आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है प्रदूषण के स्रोत में प्रकारों की विवेचना कीजिए नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदूषण है यहाँ पे आपको प्रदूषण के स्रोत बताना है और उसके प्रकारों की विवेचना करना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका दसों क्वेश्चन दिया हुआ है सरदार सरोवर परियोजना पर प्रकाश डालिए दसों क्वेश्चन कह रहा है जो सरदार सरोवर परियोजना है यहाँ पे आपको सरदार सरोवर परियोजना पे प्रकाश डालना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन से क्या से है एक ग्रव क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है यहाँ पे आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन से क्या से है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बराव क्वेश्चन दिया हुआ है आई से क्या से है बराव क्वेश्चन कह रहा है जो आई है यहाँ पे आपको आई के बारे में बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका तेरह क्वेश्चन दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताइए तेरह क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है यहाँ पे आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे आपका चौदह क्वेश्चन दिया हुआ है आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए चौदह क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा प्रबंधन है यहाँ पे आपको आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तह आपका पंद्रह क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकोप जोखिम की परिभाषा एवं परिणाम बताइए पंद्रह क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकोप जोखिम है यहाँ पे आपको प्रकोप जोखिम की परिभाषा देना है उसके बाद आगे आपको प्रकोप जोखिम की परिणाम बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर आपका सोलह क्वेश्चन दिया हुआ है पार्थिव प्रकोप एवं आपदाएं क्या है सोलह क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थिव प्रकोप और आपदा क्या है

उन्नीसो क्वेश्चन कर ज्वालामुखी आपदा है यहां पे आपको ज्वालामुखी आपदा पे प्रकाश डालना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर आपका विश्व क्वेश्चन हुआ है बाढ़ आपदा के क्या कारण है बीसवा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ आपदा है यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ आपदा के क्या कारण है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका इसवा क्वेश्चन दिए वह है सूखे की परिभाषा दीजिए ये एक क्वेश्चन कह रहा है जो सूखा है यहाँ पे आपको सूखे की परिभाषा लिखना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए पे आपका बाईस क्वेश्चन दिए वह है सूखे के प्रकार बताइए बाईसो क्वेश्चन कह रहा है जो सूखा है सूखा कितने प्रकार का होता है यहाँ पे आपको सूखे के प्रकार बताना है तो टोटल आपके बाईस क्वेश्चन होंगे जब से लघु उत्तर प्रश्न में पूछे जाएंगे अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे यानी

जल प्रदूषण क्या है जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों का वन कीजिए पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले जल प्रदूषण के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों के बारे में बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है गंगा एक्शन प्लान का विवेचन कीजिए छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गंगा एक्शन प्लान है यहाँ पे आपको गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातों क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव पर प्रकाश डालिए सतों क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस भाव के बारे में बताना है अब वह क्वेश्चन की बात की जाए तैयार आपका आठवां क्वेश्चन हुआ है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं साक्ष्यों की विवेचना कीजिए आठवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है उसके क्या कारण है यहाँ पे आपको वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण बताना है और उसके साक्ष्यों की विवेचना करना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तैं पर आपका नौ क्वेश्चन दी हुआ है आईपीसी क्या है स्पष्ट कीजिए नौ क्वेश्चन कह रहा है कि आई क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले आईपीसीसी के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको आईपीसी को स्पष्ट करना है अब वह क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका दसों क्वेश्चन दी हुआ है प्रकृति के आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी

आपदाओं के शांति समन्वय और प्रबंध का वर्ण कीजिए बड़ा क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा है यहाँ पे आपको आपदा के शांति के बारे में बताना है समन के बारे में बताना है और उसके प्रबंध का वर्ण करना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए ते आपका तेरह क्वेश्चन दिया है भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव का वर्ण कीजिए तेरह क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप आपदा है यहाँ पर आपको भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव के बारे में बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौदह क्वेश्चन दिया हुआ है बाढ़ के कारण और प्रभाव की विवेचना कीजिए चौदह क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ है यहाँ पे आपको सबसे पहले बाढ़ के कारण बताना है कि बाढ़ क्यों आता है उसके बाद आगे आपको इसके प्रभाव के बारे में बताना है अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तेज पे आपका पंद्रह क्वेश्चन दिया हुआ है सूखा प्रकोप आपदा और प्रबंधन की विवेचना कीजिए पंद्रह क्वेश्चन कह रहा है जो सूखा प्रकोप है यहाँ पे आपको सबसे पहले सूखा प्रकोप के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको आपदा के बारे में बताना है और आपदा प्रबंधन की विवेचना करना है तो टोटल आपके पंद्रह क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तीर प्रश्न में पूछे जाएंगे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है दोनों तरह के क्वेश्चन को नोट करना है और किसी किताब से, से मिलाकर कि दोस्तों तो आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए थैंक यू दोस्तों